हाय फ्रेंड, फिर से आपको स्वागत है हृदय मैजिक चैनल पे। खास आपके लिए आज एक बहुत ही टेस्टी और सिंपल ब्रिंजल फ्राई, मसालेदार ब्रिंजल फ्राई का रेसिपी लेके आया हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ 10-15 मिनट में लाजवाब टेस्ट के साथ बनके रेडी होता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का स्पेशल मसालेदार ब्रिंजल फ्राई का रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ। सबसे पहले आप आपके रिक्वायरमेंट या क्वांटिटी के अनुसार ब्रिंजल ले लीजिए। अगर ब्रिंजल हल्का सा बड़ा साइज है तो बढ़िया रहेगा। ब्रिंजल को लेके अच्छा से क्लीन करने के बाद ब्रिंजल को कुछ इस तरह कट कर लीजिए। देख सकते हैं, एक ब्रिंजल को 4-5 पीस में कुछ इस तरह बढ़िया साइज में कट करके पानी में बाउल में रख लीजिए। थोड़ी देर के बाद उसे ड्राई करके एक प्लेट में ऐड कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। एक प्लेट या बाउल में 2-2.5 स्पून बेसन ले लीजिए। टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए। और चलिए ऐड करते हैं बेसिक मसाले पाउडर, 1-1.5 स्पून रेड चिली पाउडर, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप और ऐड कर सकते हैं। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर। और आज का रेसिपी को और थोड़ा सा खास बनाने के लिए 1/2 स्पून ब्लैक पेपर, 1 स्पून गरम मसाला ऐड कर लीजिए। और सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए। कुछ इस तरह बेसन को मसाले के साथ पूरे मसाले को बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके साइड में रख दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी का नेक्स्ट प्रोसेस। जो ब्रिंजल को कट करके रखे थे, ईच ब्रिंजल पीसेस के ऊपर कुछ इस तरह मसाले को ऐड कर लीजिए। देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से मसाले को ईच ब्रिंजल पीसेस के ऊपर ऐड कर लीजिए। आज का स्पेशल रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से सिर्फ 15 मिनट्स में लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होता है। तो डेफिनेटली आप घर में जरूर एक बार ट्राई करें। पूरे ब्रिंजल पीसेस के ऊपर मसाला ऐड करके देख सकते हैं, अभी पूरे ब्रिंजल के पीसेस के ऊपर मसाला ऐड कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी का नेक्स्ट या फाइनल प्रोसेस। एक पैन में 5-10 ग्राम कुकिंग ऑयल ले लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद नाम के वास्ते हल्का सा जीरा ऐड कर लीजिए। और जो ब्रिंजल पीसेस को मसाले के साथ रेडी करके रखे थे, वो ब्रिंजल पीसेस को ऐड कर लीजिए। 1/1 3-4 ब्रिंजल पीसेस ऐड कर लीजिए। पैन के जगह अगर आपके पास बड़ा सा तवा है तो आप तवा का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि पैन में हल्का सा स्पेस कम होता है। तो 3-4 पीस या मैक्सिमम 3 पीस, यहाँ पे देखिए मेरे पैन में सिर्फ 3 पीसेस आ रहा है। तो पूरे 3-4 पीसेस ऐड करने के बाद हल्का सा ऐसे ही ओपनली फ्राई करने के बाद 1 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। और पूरे ब्रिंजल पीसेस को साइड चेंज कर लीजिए। देख सकते हैं आज का स्पेशल मसालेदार ब्रिंजल फ्राई कितना टेम्पटिंग और मजेदार दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। पूरे ब्रिंजल पीसेस को साइड चेंज करने के बाद मीडियम या लो फ्लेम में दूसरे साइड को फ्राई कर लीजिए। हल्का सा अगर रिक्वायरमेंट है तो आप हल्का सा ब्रिंजल के ऊपर हल्का सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा ऑयल यूज किया हूँ, क्योंकि देखिए पैन पूरा ड्राई हो चुका है, तो हल्का सा यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर लिया हूँ। तो हल्का सा ऑयल ऐड करके 1-2 मिनट के लिए दूसरे साइड को मीडियम या लो फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। और फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल मसालेदार फ्राई का रेसिपी। देख सकते हैं कितना लाजवाब और क्रिस्पी दिख रहा है। कुछ इस तरह पूरे ब्रिंजल को बढ़िया तरीके से 1/1 फ्राई कर लीजिए। सेम प्रोसेस में पूरे ब्रिंजल को बढ़िया तरीके से फ्राई करके रेडी कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ब्रिंजल को सेम प्रोसेस में बढ़िया तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ क्रिस्पी और कंची स्टाइल में बना के रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड आप डेफिनेटली हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। पूरे ब्रिंजल को फ्राई करने के बाद अगर आप हल्का सा स्पाइसी पसंद है तो आप ब्रिंजल पीसेस के ऊपर हल्का सा जीरा पाउडर और चिल्ली पाउडर ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं आज का स्पेशल मसालेदार ब्रिंजल फ्राई का रेसिपी बहुत ही टेम्पटिंग और लाजवाब टेस्ट के साथ बना के रेडी कर लिए हैं। तो डेफिनेटली आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो फ्रेंड
ये था आज का स्पेशल और लाजवाब रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए वीडियो में यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाजवाब और स्पेशल डिशेस के वीडियो बना के पेश करते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए मैं हृदयानंद आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।